नमस्कार दोस्तों, अंजु की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको बहुत ही बढ़िया जबरदस्ती बालों के लिए दोस्तों होम रेमेडी लेकर के आए हैं। इस रेमेडी से आपके बाल लंबे, काले, घने और मजबूत तो होंगे ही, साथ ही अगर आपके बाल झड़ गए हैं, गंजापन आ गया है आपके सिर में, तो इस रेमेडी से आपके जो बाल होंगे वो दोबारा से उगने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। इस रेमेडी को हमने अलसी के बीज से बनाया है, तो ये देख सकते हैं अलसी कुछ इस प्रकार से होती है। छोटे छोटे से इसके बीज होते हैं, फ्लैक्सीड भी इसको कहते हैं। तो ये दाने देख सकते हैं चिकने चिकने से होते हैं, चमकीले से, और इसी से आज हम आपको होम रेमेडी बनाकर दिखा रहे हैं आपके बालों के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अलसी आपके बालों के लिए बेहद लाभकारी है और आपको बहुत सारे फायदे भी देगी। कौन कौन से फायदे ये देगी आपको, तो हम आपको आगे वीडियो में बताते जाएंगे। बस आप सभी हमारी वीडियो पर बने रहिएगा। आप हमारी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अलसी है और इसको हमने रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखा था, तो ये अलसी हमने आपको दिखा दी है। बस इसी तरह की अलसी होती है, आप मार्केट से भी मंगवा सकते हैं, बहुत ही सस्ते दामों में अलसी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको पानी में रात भर के लिए भिगो दिया है। देख सकते हैं ये गाढ़ा गाढ़ा सा, चिकना चिकना सा हमारा अलसी का बीज हो चुका है। और अब हम इसको दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। इस बर्तन में हम एक कटोरी पानी और डाल देंगे। फ्रेंड्स, अलसी बहुत अच्छी होती है आपके बालों के लिए। अलसी में ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड होता है, जो बालों को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। ये हमारी स्कैल्प को हेल्दी करता है। तो इसको हम अब गैस पर रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम गैस को ऑन करेंगे और इसको हम उबलने के लिए रखेंगे। बस 2 से 3 मिनट में इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। ये रेमेडी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है दोस्तों। इसमें विटामिन ई होता है, जो कि डैमेज बालों को ठीक करता है, और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, जो बालों को पोषण देता है, बालों को झड़ने से रोकता है, नए बाल भी उगा देता है। अलसी में विटामिन बी और विटामिन ई भी होता है, जो बालों को विकसित करता है और बालों को घना भी बनाता है। फ्रेंड्स, तो अलसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है आपके बालों पर। अगर आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ की समस्या से ये पूरी तरह से छुटकारा भी आपको दिला देती है। इससे खुजली और जलन भी कम होती है। अगर आपके सिर में किसी भी तरह से खुजली होती है तो आप हमारी इस रेमेडी को जरूर से जरूर ट्राई करिए। अगर आपके बाल घने नहीं हैं, बहुत पतले बाल हो गए हैं, तो आप इस रेमेडी को जरूर एक बार बनाइएगा। इसको बनाना बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम भी नहीं करना पड़ता है। ये हमारी रेमेडी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसको हम फुल फ्लेम पे बस 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। इस तरह से चलाते जाएंगे और इसको हम पकाते जाएंगे। जब ये पकनी शुरू होती है तो ये गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है। इसका बहुत बढ़िया सा जेल बनकर तैयार होता है। तो अलसी की मात्रा आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 चम्मच अलसी ली है। आप चाहें तो, अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं, तो आप 2 चम्मच अलसी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से पकना शुरू हो चुका है और अभी इसको हम खूब अच्छे से उबालेंगे, और उबालने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। फ्रेंड, जब भी आप अलसी की ये रेमेडी बनाएं दोस्तों, तो रात भर के लिए अलसी को भिगो कर जरूर रखिएगा। अगर रात भर के लिए आप इसको भिगो कर नहीं रखेंगे तो इसका बढ़िया सा जो हमारी रेमेडी है, बढ़िया से बनकर नहीं तैयार होगी और अच्छा काम भी नहीं करेगी आपके बालों पर। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, बस इसी तरह से आपको इस रेमेडी को बनाना है। इस रेमेडी को लगाने का क्या तरीका है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, इस रेमेडी से आप देखेंगे कि आपके बालों में कितनी अलग सी चमक आएगी, आपके बालों की रंगत ही बदल जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया ये हमारी रेमेडी है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। ज़्यादा अगर हम इसको पका देंगे तो ये बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी, क्योंकि अलसी का पूरा जेल बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें जेल नहीं बनाना है, हमें थोड़ा पतला ही रखना है। इसको देख सकते हैं, इसका पानी गाढ़ा गाढ़ा सा हो चुका है और हमें इतना ही चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये पानी अभी और गाढ़ा हो जाएगा।
इसको हम गैस को बंद करेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है, थोड़ा सा हम ठंडा होने का वेट करेंगे। तब हम छन्नी से इसको छान लेंगे। इसको हम एक कटोरी में छान लेंगे, ठंडा हो चुका है तो इसको गरम गरम ही आप छानिएगा, नहीं तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा और फिर छानते भी नहीं बनेगा। इस तरह से हमने इसको छान लिया है। एक कटोरी ये जेल हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम थोड़ा सा चम्मच से चला देंगे तो ये पूरी तरीके से छन जाएगा। अब ये ठंडा हो जाएगा तो और भी ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। इसको हमने अलग रख दिया है। आप चाहें तो ये जो बीज हैं इसको आप पीस करके अपने बालों पर लगा सकती हैं या तो अपने फेस पर भी लगा सकती हैं। ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से ये हमारा कुछ जेल बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं जब ये ठंडा हो जाएगा, ये देखिए चिकना चिकना सा हो गया, इसमें तार सा भी बन रहा है। तो इसी तरह से आपको इसको बनाकर तैयार कर लेना है। और अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं विटामिन ए का कैप्सूल है जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही सस्ते दामों में ये आपको मिल जाता है। आप मेडिकल स्टोर से इसको मंगा लीजिए और अपने बालों में कोई भी तेल अप्लाई करते हैं तो विटामिन ए का कैप्सूल ज़रूर डालिएगा। इससे आपके बालों में अलग सी जान आती है, आपके बाल मजबूत होते हैं, काले होते हैं, घने होते हैं। तो ये विटामिन ए का कैप्सूल बहुत अच्छा होता है। इसको हम कट कर लेंगे और इसको हम एक पूरा डाल देंगे अलसी के जेल में। इस तरह से आप पूरा एक कैप्सूल डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए और ये आपको अपने बालों पर लगाना है दोस्तों। जब आप अपने बालों को धोएं तो बाल धोने से कम 2 घंटे पहले आप बहुत अच्छे से अपने बालों पर अच्छे से इसको लगा लीजिए। पूरा कवर कर लीजिए अपने बालों को, जड़ों पर अच्छे से लगाइए, आप अपने बालों पर अच्छे से लगाइए। देखेंगे आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। हफ्ते में 3 दिन इसको आप इस्तेमाल करेंगी तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा उपाय है, इससे आपके बालों में नई चमक आएगी। और अगर आपके बाल झड़ गए हैं, पूरी तरह से आपके सिर में गंजापन आ गया है, तो इस रेमेडी को लगाने से आपके बाल उगने शुरू हो जाएंगे, नए बाल आने शुरू हो जाएंगे। और इसका रिजल्ट अगर आपको देखना है तो इसको लगातार 1 महीना आपको इस्तेमाल करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये होम रेमेडी है और तुरंत असर नहीं दिखाएगी आपको। कुछ दिन आपको वेट करना होगा, कुछ दिनों तक आप इसका इस्तेमाल करें और फिर गजब के रिजल्ट देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बहुत सारी ऐसी ही रेमेडी देने वाले हैं जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो, आपके बाल लंबे, काले, घने और मजबूत हो जाएं। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और आप अपने बालों को जड़ों से काला करना चाहती हैं तो वो रेमेडी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे आने वाले समय में। तो बस आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।